ड्रग इंट्रैक्शन। आज हम जानेंगे ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है और हमारे बॉडी में किस किस प्रकार का ड्रग इंट्रैक्शन देखा जाता है। ड्रग इंट्रैक्शन इज डिफाइंड एज द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ वन ड्रग इज अल्टर्ड बाय द कनकमिनेंट यूज ऑफ अनदर ड्रग और बाय द प्रेजेंस ऑफ सम अदर सब्सटेंस। एक ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी किसी अनदर ड्रग के प्रेजेंस में या फिर कोई अन्य सब्सटेंस के प्रेजेंस में यदि अल्टर्ड होता है तो इसको हम ड्रग इंट्रैक्शन बोलते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग फूड इंट्रैक्शन, केमिकल ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग लेबोरेटरी टेस्ट इंट्रैक्शन, ड्रग डिजीज इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन इज जनरली क्वान्टिटेटिव लाइक इंक्रीज और डिक्रीज द इफेक्ट, सेल्डम क्वालिटेटिव लाइक रैपिड और स्लोअर द इफेक्ट ऑफ ड्रग, प्रेसिपिटेशन ऑफ न्यूअर और इंक्रीज्ड एडवर्स इफेक्ट। ड्रग इंट्रैक्शन आर दस मोस्टली अनडिजायरेबल। ड्रग इंट्रैक्शन मोस्टली अनडिजायरेबल होता है बट रियली डिजायरेबल या बेनिफिशियल होता है, जैसे कि इन्हांसमेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन व्हेन एडमिनिस्टर्ड विथ प्रोकेनासिड। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ड्रग इंट्रैक्शन, कुछ फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन में, जैसे कि मल्टीपल ड्रग थेरेपी, अगर बहुत सारे ड्रग थेरेपी रिसीव कर रहा है कोई तो, मल्टीपल प्रिस्क्राइबर, अगर बहुत सारे प्रिस्क्राइबर या फिजिशियन हैं जो ट्रीट कर रहा है तो, मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, मल्टीपल डिसीज प्री डिस्पोजिंग इलनेस, पुअर पेशेंट कंप्लेंस, एडवांस एज ऑफ पेशेंट, ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन। द थ्री मैकेनिज्म बाय विच ड्रग इंट्रैक्शन कैन डेवलप आर फार्मास्यूटिकल इंट्रैक्शन, फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शन, फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन। फार्मास्यूटिकल इंट्रैक्शन आल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीटिबिलिटी ऑफ द ड्रग। जैसे कोई पर्सन कोई एक ड्रग थेरेपी रिसीव कर रहा है और साथ में ही यदि आईवी इन्फ्यूजन दे रहे हैं तो क्या होता है, ड्रग की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है। जैसे कि कोई बंदा एम्पिसिलिन का ड्रग थेरेपी, बारबिट्यूरेट या फिर क्लोरप्रोमाजीन का ड्रग थेरेपी ले रहा है, तो ड्रगस्टिन के सोल्यूशन यदि आईवी इन्फ्यूजन से दे रहे हैं तो ड्रग की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाता है या चेंज हो जाता है। दिस टाइप्स के इंट्रैक्शन में ड्रग के एडीएमई प्रॉपर्टी जो है चेंज हो जाते हैं। ये जो इंट्रैक्शन है इसको क्लासिफाई किया गया है, एब्जॉर्प्शन इंट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रैक्शन, मेटाबोलिज्म इंट्रैक्शन एंड एक्सक्रीशन इंट्रैक्शन। एब्जॉर्प्शन जो इफेक्ट होता है इसमें या तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है या स्लो हो जाता है, या बहुत ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगा या बहुत ही कम ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है, कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में चेंज हो जाता है। मेटाबॉलिज्म इंट्रैक्शन, मेटाबॉलिज्म इंट्रैक्शन में होता क्या है, अगर कोई ड्रग एंजाइम इंडक्शन कराता है तो उसका रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, यदि कोई ड्रग एंजाइम इनहिबिशन कराता है तो उसका उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो है डिक्रीज हो जाता है। ड्रग का एक्सक्रीशन पैटर्न जो है चेंज हो जाता है। द मेजर मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इंट्रैक्शंस आर अल्टरेशन इन रीनल ब्लड फ्लो, अल्टरेशन ऑफ यूरिन पीएच, कंपटीशन फॉर एक्टिव सीक्रेशन, फोर्स्ड डायुरेसिस, डायनेमिक इंट्रैक्शन। इसमें ड्रग की एक्टिविटी जो है अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये दो टाइप से होते हैं, डायरेक्ट इंट्रैक्शन और इनडायरेक्ट इंट्रैक्शन। अगर हम बात करें डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन की तो इसमें होता क्या है, इसमें इंट्रैक्शन होता है एंटागोनिज्म, एडिशन और समेशन, सिनर्जिज्म और पोटेंशिएशन, इस टाइप के डायरेक्ट देखा जाता है इंट्रैक्शन। अगर इनडायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन, इसमें होता है कि इन विच बोथ द ऑब्जेक्ट एंड द प्रेसिपिटेंट ड्रग हैव अनरिलेटेड इफेक्ट, एग्जाम्पल सैलिसिलेट डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ द प्लेटलेट्स to aggregate, thus impairing the homeostasis if warfarin-induced bleeding occurs. कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर है जिनको हम कम करके ड्रग इंट्रैक्शन को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है आइडेंटिफाई द पेशेंट रिस्क फैक्टर, हमें सबसे पहले पेशेंट के रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाइड करना है। सेकेंड है टेक थ्रू ड्रग हिस्ट्री, उसका ड्रग हिस्ट्री देखना है, बी नॉलेज अबाउट द एक्शन ऑफ द ड्रग बींग यूज। नेक्स्ट है कंसिडर थेरेप्यूटिक अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट है अवॉइड कॉम्प्लेक्स थेरेप्यूटिक रेजिमेंट व्हेन पॉसिबल। नेक्स्ट है एडुकेट द पेशेंट। नेक्स्ट है मॉनिटर द ड्रग थेरेपी। थैंक यू।